साथ बैठक हुई। सबने 7 दिन का समय दिया है कि लड़की और लड़के को अलग किया जाए, क्योंकि इस प्रकार का जो कांड और ये सब हो रहा है, इस लव जिहाद कई लोग बोलते हैं, तो ये लड़के फिर से थाना गए थे। थाना जाने के बाद पता चला कि कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुआ है। पुलिस प्रशासन को लगता है दबाव या उनको जो अतिक्रमण जमीन दिया गया है, अतिक्रमित जमीन जो है वो उनसे छीनी जाएगी और आगे जाकर के ये कार्रवाई होनी है। और 7 दिन का दिशा निर्देश प्रशासन के साइड से अपने को दिया गया है। इस वक्त हमें जसपुर के गमरिया चौक में, और देख सकते हैं फ्रेंड्स आज यहाँ पे पूरा चक्का जाम कर लिया गया है। और हमारे बीच में लोधाम हिल पूरे जिले के लोग हमारा इस बंद और चक्का जाम को समर्थन दे रहे हैं। अचानक होने के कारण कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पाए हैं। इसी कड़ी में लोधाम से आए हुए अजय कुमार गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर के अपना 2 शब्द समाज को संबोधित करेंगे। अजय कुमार गुप्ता जी, हर महादेव की किस्तु जनाब अपने घर में रखिए और इतना सावधान रहिए आप लोग, हम दूसरे से संपर्क में ना आए। आज हम क्यों आजादी के बाद गुलामी सह रहे हैं? हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है, हम अपने घर के माध्यम से को भी नहीं बता पा रहे हैं। क्यों आज हमारे पास एकता नहीं है? हम हिंदू टुके टुके में बटे हैं। हम पूरे हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ, आज जैसे 20 आदमी देखिए तो ये जसपुर में का इतना ही आबादी बन चुका है, क्या इतने हिंदू है? सब चूड़ी पहन के अपने माँ का कर चुके हैं। जो चूड़ी न पहनना चाहता वो हथियार उठा ले, हम समाज को ही नहीं अपने घर को भी बचा ले। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जय श्री राम। हम लोगों का उमड़ गया, इस बारे में आप लोग हृदय में चिंतन करना कि ये हमारा हिंदुस्तान के लिए हमारा मर चुका है। बात तो इस संदेश में जाना और अपने लोगों को बताना, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे तेज तर्रार युवा साथी हमारे अभिषेक मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे भी संघर्ष में हमेशा आगे रहते हैं, वे आप सबों को संबोधन करने के लिए बधाई देते हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे कि सभी लोग बताए, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे है कि हमारे जसपुर में, हमारे देश, हमारे जसपुर में हिंदू कितने बच्चे हैं? हर घर से अगर 2-2 लोग ब्याह होते तो आज ये स्थिति हमारा नहीं। देखिए जिस प्रकार की घटना जसपुर में घटी है, लगातार मुस्लिम लड़कों के द्वारा आदिवासी एवं हिंदू बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये सीधी सीधी लव जिहाद का षड्यंत्र है। और जिस प्रकार घटना के बाद FIR के लिए सभी समाज के लोग वहां पहुंचे थे, FIR नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा 24 घंटा का मोहलत मांगा गया था, उस 24 घंटा में भी FIR नहीं हो पाया, जिसके कारण कल शाम को सभी लोग एकत्र होकर फिर से थाना गए थे। थाना जाने के बाद पता चला कि कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुआ है। पुलिस प्रशासन को लगता है दबाव है कांग्रेस की सरकार से, जिसके कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन भी
संलिप्त है। जिस प्रकार आज बस स्टैंड से रैली निकलकर चीर बगीचा आई, चीर बगीचा में रैली का रास्ता चंद लोग रोक दिए, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं और पुलिस प्रशासन उस रास्ते में जाने नहीं दी। ये बहुत दुख की बात है। इस आज़ाद भारत में अगर हम जशपुर में रास्ता नहीं चल पाएंगे, पुलिस हमारी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो इससे बड़ी दुखद घटना और हमारे लिए नहीं हो सकती है। चक्का जाम समाप्त हो गया, क्या बोल के सांत्वना मिला? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। आज सांत्वना जो मिली आखिरी चक्काबंद के बाद, कलेक्टर साहब और जितने भी एडिशनल एसपी डीएसपी साहब सब थे, उन्होंने यही कहा कि 7 दिन की मोहलत वो मांगते हैं। और कलेक्टर ऑफिस में बैठक भी हुई, सब मुसलमान वरिष्ठ लोग, हिंदू वरिष्ठ लोग और पूरे जशपुर जिले के वरिष्ठ लोग के साथ बैठक हुई। सबने 7 दिन का समय दिया है कि लड़की और लड़के को अलग किया जाए, क्योंकि इस प्रकार का जो कांड और ये सब हो रहा है, इस लव जिहाद कई लोग बोलते हैं, तो ये लड़का और लड़की को अलग करने का पूरा प्रयास दोनों समाज से रहेगा। और लड़की को जब अलग हो जाती है और अगर नहीं भी होती है, तो यहाँ पर फिर से 7-8 तारीख को आगमी 7-8 तारीख फिर से चक्का जाम है, ऐसा हम लोगों ने कहा है। नहीं तो फिर आवेदन निवेदन बहुत हो गया, अब फिर होगा दे दनादन। जी धन्यवाद बाबा। इसका चक्का जाम बंद हो गया है, क्या समझाइश मिला है प्रशासन के द्वारा? समझौता विशेष को सामने रख करके चक्का जाम आज बंद किया गया है। और चक्का जाम बंद इन्हीं कारणों से हुआ है कि सामने प्रशासन की ओर से हमें 7 दिन का मोहलत दिया गया है कि 7 दिन में लव जिहाद के मामले को या तो कंट्रोल करेंगे या अनदेखे जितने लोग बाहरी बसिंदे जो बसे हुए हैं जशपुर में जी, उनको कंट्रोल में लाया जाएगा, या उनको जो अतिक्रमण जमीन दिया गया है, अतिक्रमित जमीन जो है वो उनसे छीनी जाएगी और आगे जाकर के ये कार्रवाई होनी है। और 7 दिन का दिशा निर्देश प्रशासन के साइड से अपने को दिया गया है। और इसी संतुष्टि के साथ आज सारे हिंदू समाज और संगठन के लोग इस चक्का जाम को तोड़ करके वापस उठे हैं, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को सामने रखते हुए और उनके इज्जत पूर्वक पालन करते हुए। और आने वाले समय में हो सकता है इससे भी भव्य उग्र आंदोलन हो सके, इस चीज़ को सामने रखा जाए। और ये चीज़ शासन प्रशासन को एक चुनौती के माध्यम से मैं देना चाहूँगा, एक माध्यम चुनौती का देना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ये चीज़ भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत भयंकर चुनौती और प्रदर्शनकारी लोग जो हिंदू संस्था के हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए शासन प्रशासन से मेरा एक खास निवेदन है कि सभी के सभी एकजुट होकर के हिंदू संगठन की बातों को अपने सामने रखें, अन्यथा ना लेवें, या ना अन्यथा लेने से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा कारण का सामना करना पड़ सकता है। आज हम गांधी चौक NH 43 को बैठे हुए थे, सामने धरना प्रदर्शन बैठे हुए थे, चक्का जाम का अपना कार्यक्रम था हिंदू समाज की ओर से, जिसमें एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, टीआई साहब सामने सारे के सारे बैठे हुए थे, जिसमें यह आश्वस्त किया गया है हिंदू संगठनों को
जिसमें कि सात दिन के भीतर में उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उनको सामने लाया जाएगा। मैं जय किसान स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज का को ऑनर हूँ। मेरे पिताजी उसके सही मायने से देखा जाए तो वो उनके मालिक हैं और अपन साथ में ऐसा काम कर रहे हैं और किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें अपना अभी फैब्रिकेशन का यूनिट है और कृषि नीतियों का जितना उसमें संचालन किया जा सकता है वो सभी हम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये सुविधा है कि हम मटेरियल सप्लाई का काम भी कर रहे हैं और मटेरियल सप्लाई के साथ साथ जितने भी कृषि उपकरण हैं या अन्यथा जो भी उपकरण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं उनमें हम प्राइमर मारने की सुविधा मुफ्त में दे रहे हैं। प्राइमर के बाद सिर्फ सामने कस्टमर का काम रहेगा पेंट मारने का। अगर वो पेंट का भी उसमें उल्लेख करते हैं तो हम पेंट में उनको मार करके देंगे। हमारा पता है सन्ना रोड वार्ड नंबर 2 शिव मंदिर के पीछे, जय किसान स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज एंड अभ्युदय ट्रेडर्स, जशपुर नगर छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर है 9575492555। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और चक्का जाम खुल गया है, गाड़ियों का आना जाना चालू हो गया है, आप देख सकते हैं।